मुरली फटाफट चाय ले आ। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। और शर्मा जी क्या हाल है आपके? बस बढ़िया मैम। मैम थोड़ा सा लेफ्ट। ठीक है जी मैम। साले इतने बुरे दिन आ गए, पैंचो प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाना पड़ रहा है अपने शो पे। एडी कहाँ है? कुमार, कुमार आया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। और कुमार क्या ख्याल है तेरे? मैम स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट के बारे में नहीं, इस माया के बारे में जिसको हम अपने शो पे बुला रहे हैं। मैम देखिए, माया भी हॉट टॉपिक है और ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रही है। हैशटैग माया वी लव यू, हैशटैग माया कन्फेस्ड। सो इस इंटरव्यू से अपने चैनल की रीच डेफिनेटली बढ़ेगी मैम। शायद हमारे मैम 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी क्रॉस हो जाए। की शक्कर कुमार, चल अब माया के लास्ट पॉर्न वीडियो दिखा एक बार, देखे तो सही क्या क्या कांड किया उसने। मैम ये लास्ट वीडियो अराउंड 2 साल पहले की है। शुरुआत से चैनल को कौन बोला तेरे को? सॉरी मैम। एंडिंग का पार्ट लगा के दे। ठीक जी, जी ये लीजिए मैम। ओ प्रोड्यूसर जी, कहां पहुंची आपकी माया मैडम? Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about.
कैमरा रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन. सपने पूरे तो हुए मेरे, लेकिन किस कीमत पे? क्या खोया, क्या पाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ. हाय गाइस, वेलकम टू द सोशल न्यूज एंड यू आर वॉचिंग अनसेंसर्ड. मैं हूँ आपकी होस्ट शोभा एस मुखर्जी, और जैसे मैंने आपसे पिछले हफ्ते वादा किया था कि मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे जो अपनी सिर्फ एक कन्फेशन वीडियो की वजह से पूरे ट्विटर पर ट्रेंड हो गई, #mywelovehashtag myconfess. और वो पहले क्या थी और वो क्या है आज, ये तो पूरा इंडिया जानता है. तो मैंने अपना वादा निभाया और अब आपकी बारी. फटाफट जाकर द सोशल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, #grow to 1 million subscribers, और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज द सोशल न्यूज इज गोइंग अनसेंसर्ड विद द फॉर्मर पॉर्न स्टार माया. वेलकम टू द शो माया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यू नो, ये खुशी होती है जब आपका दिल एक्चुअली में खुश होता है. मुझे एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग हो रही है. 2 साल हो गए मुझे पॉर्न इंडस्ट्री छोड़े, अपनी खुद की फाउंडेशन खोली, इंडिया की कई लड़कियों की हेल्प करी. ये सब करके खुशी तो बहुत मिली, पर सुकून, सुकून तो कुछ 2 हफ्ते पहले ही मिला था जब मैंने कन्फेस किया सबके सामने ऑन द इंटरनेट. यू नो, आई फील लाइटर, मोर रिलैक्स्ड एंड हैप्पियर. ऑल्सो आई फील अ लिटिल प्राउड ऑन दैट गर्ल विच आई यूज टू बी. उसने जिंदगी में कोई तो समझदारी से डिसीजन लिया. और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को आप पर नाज है मिस माया. और मैं आप लोगों को बता दूँ कि माया फाउंडेशन पिछले 15 महीनों में देश की 50,000 से ज़्यादा बेटियों की हेल्प कर चुका है. थैंक यू माया आपके इस इनिशिएटिव के लिए. Now, talking about that confession tape, आपने उस टेप में काफी बड़े मुद्दों के बारे में बात करी है, rape, porn, sexual harassment. सुमाया, वो लड़की जो आज से 7 साल पहले अपनी मर्जी से अमेरिका गई और वहां जाकर एक मशहूर पॉर्न स्टार बन गई, आज वही लड़की इतने सालों बाद बात कर रही है अबाउट porn, rape, sexual harassment. कितना सच और कितना झूठ है इन सब बातों में मिस माया? काफी सच है. पर पूरा सच क्या है ये तो सिर्फ आप ही जानती है ना, राइट? मिसेस मुखर्जी, कैन आई आस्क यू समथिंग? यस. Of course. Tell me honestly. Have you ever watched porn? No. Never. आपकी एक बेटी है, right? आपको क्या लगता है कि porn, rape, sex, adult films, porn stars, इन सब का मतलब आपकी बेटी को पता होगा? देखिए, इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं. एंड यस, आई थिंक शी नोज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, तो अगर आपकी बेटी को कोई मैनिपुलेट करे सेक्स के लिए, सॉरी, या अगर आपकी बेटी अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ सेक्स करना चाहे, तो आपको कैसा लगेगा मिसेस मुखर्जी? लुक माया, आई एम बीइंग वेरी पोलाइट विद यू, बट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट. She's my daughter and she can do whatever she wants and it's none of your business. And there's a difference between you and her. You are a porn star and my daughter is not. 2 saal ho gaye mujhe porn industry chhode, but still I'm just a porn star for you, right? No. I mean, you are a former porn star and my daughter is not. So I'm sorry. No, Mrs. Mukherjee, I'm sorry. I'm sorry ki mujhe laga aap samjhengi.
समझूंगी क्या? यही कि सब लड़कियों के पास चॉइस नहीं होती। हाँ ये सच है कि माया के पास चॉइस थी, पर वो 15 साल की लड़की जो एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी, अपनी गलत चॉइसेस की वजह से आज वो यहाँ है। 18 साल तक तो वो मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुकी थी, फिर उसके एक फ्रेंड ने मिलवाया उसे अपने बॉस से। फिर क्या, न्यूड मॉडलिंग में उसे दुगना पैसा मिलने लगा और फिर वो चली गई अमेरिका फॉर पॉर्न। यस फॉर पॉर्न। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई थी उसे, और फिर कोई समझाने वाला भी नहीं था। फ्रेंड्स और फैमिली ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था। जो लड़की पिछले 1 साल में महीने का 80,000 अर्न कर रही थी, अब वो 5 से 6 लाख अर्न करने लगी। सो लेट मी क्लियर दिस अप माया, तो आपने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया, राइट? मैं यहाँ अपनी नहीं, उस माया की बात कर रही हूँ जो ना समझती, जिसे ये पता ही नहीं था कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो जैसे कि माया ने बताया कि उनका ड्रीम एक फिल्म स्टार बनने का था, पर उनके द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से वो एक पॉर्न स्टार बन गई। और ये भी कि क्या कैसे वो सॉरी क्या फर्क होता है एक फिल्म और एक पॉर्न के एडल्ट सीन्स में? बहुत फर्क होता है मिस माया। In films, they don't show nudity or people having sex. In porn, they do. और ये फर्क आपको कैसे पता मिसेस मुखर्जी? आपने तो भी कहा था कि आपने porn आज तक कभी देखी ही नहीं है। देखा आपने मिसेस मुखर्जी, जो प्रॉब्लम है वो है आपका और आपके जैसे कई लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की सोच, ना कि मेरा खुलेआम पॉन रेप या सेक्स के बारे में बात करना। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली नहीं थी जो मुझे सही सीख देते, ये भी मेरी ही गलती है, मैं मानती हूँ। पर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। मेरी कहानी कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चली शायद ही कोई चला हो, और अगर कोई चला भी होगा तो उसमें इतने गट्स नहीं होंगे कि वो पब्लिकली कन्फेस कर सके। माया एक आखिरी सवाल, Can we have that video, please? और मैं उन लड़कों से कुछ कहना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि पॉर्न एक्चुअल सेक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को प्यार का नाम मत दो, क्योंकि जब ऐसे लड़कों की फैंटेसीज पूरी नहीं होती ना तो वो रेप जैसा घिनौना क्राइम करते हैं। So according to you, Maya, rapists वो आदमी होते हैं जिनकी sexual fantasies पूरी नहीं होती और फिर वो rape जैसे crime को अंजाम देते हैं। क्या ये point आप हमारी audience को explain कर सकते हैं? Imagine कीजिए कि एक छोटा लड़का है जो पहली बार porn देख रहा है, तो बचपन से उसके mind में एक फैंटेसी क्रिएट हो जाती है, और जब वो पहली बार सेक्स करता है तो उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो उसका आधा भी नहीं है, ये शायद उस लड़की का ही मन नहीं होगा। पर क्या फर्क पड़ता है, पॉर्न में तो यही दिखाया था दैट गर्ल्स आर ऑलवेज रेडी टू फक। तो देखते ही देखते जब उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो पाती तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो अपनी फैंटेसीज को पूरे करने के चक्कर में उसके साथ सेक्स नहीं रेप जैसा घिनौना क्राइम कर रहा है।
इमेजिन कीजिए कि वही छोटा लड़का जब पहली बार पॉर्न देख रहा था, तभी उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया होता कि बेटा पॉर्न रियलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेक्स दिखाया जाता है वो एक्चुअल सेक्स नहीं होता, बिकॉज सेक्स इज मेकिंग लव टू समवन हु लव्स यू, और एक ऐसी चीज है जिसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। अगर हमारी सोसाइटी ने सेक्स को इतना ज्यादा सब्जेक्टिफाई नहीं किया होता तो शायद आज लड़कियां इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो रही होती, और शायद रेप बहुत कम होते। लड़कियों का रेप करके, उनका सौदा करके, उन्हें बहला फुसला के लोग उनसे पॉर्न में काम करवाते हैं। पर मैंने तो ये काम करने का फैसला खुद किया था, पर फिर भी मेरे साथ आज भी मेरी लास्ट वीडियो अपलोडेड है विद मिलियंस ऑफ व्यूज, लेकिन जैसा कि आपने बोला था, सच क्या है वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। जब वो वीडियो शूट होना स्टार्ट हुआ तब वहां मेरे साथ एक ही लड़का था, अचानक से तीन और आ गए जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, हंस रहे थे मुझ पे, उन्हें लगा मैं एक्टिंग कर रही हूं। देन आई रियलाइज्ड दैट दे आर शूटिंग अ गैंग बैंग विद मी, पर वो गैंग बैंग मेरे लिए गैंग रेप बन चुका था। लेकिन उसके बाद वो लोग मुझे चौक करने लगे, मैं अपने बच्चे को जी हिम्मत से वहां से उठी और वहां से भाग गई। I'm so sorry, Maya. किसको बोलती और क्या बोलती कि क्या हुआ है मेरे साथ? कौन हूं मैं? एक इंसान, एक लड़की या एक औरत होने से ज्यादा? सच्चाई तो यह है कि आई एम जस्ट अ फकिंग पॉर्न स्टार।